जिला के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी जिला अधिकारी तत्परता से कार्य करें और विशेष घटक योजना के तहत जिला के लिए आवंटित बजट से निर्मित की जा रही विभिन्न योजनाओं को समय अवधि के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यह दिशा निर्देश बिलासपुर में विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए क्रियान्वित व निर्मित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित समीक्षा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए घुमारवीं के विधायक एवं मुख्य संसदीय सचिव राजेश धर्माणी ने दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि इस योजना के चलाने से आम जनमानस विशेषकर पिछड़े व अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का कल्याण व उत्थान संभव होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि विशेष घटक योजना से पंचायत क्षेत्र की छोटी बड़ी सड़कें, पक्के रास्ते व नालियां तथा फुटब्रिज, पुराने पेयजल स्रोतों की मरम्मत, लघु सिंचाई योजनाएं, शहरी कल्चर, मछली पालन इत्यादि कार्यों को शीघ्र करवाने में बहुत ज्यादा सहयोग मिला है, जिससे ग्रामीण विकास को बहुत ज्यादा बल मिला है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत जो जो बजट आवंटन हुआ है उसके बारे में चर्चा करी। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें हमारी सरकार द्वारा जो है कुछ नियमों में बदलाव किया गया, जिसकी वजह से इस एड के अंतर्गत जो है काम करने में थोड़ी तेजी पकड़ी। जैसे हमारे प्रशासनिक जो स्वीकृतियां थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती थी, वो पहले इनके डायरेक्टर देते थे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे। अब हमारे पीडब्ल्यूडी आईपीएच के जो है वो कंसर्न जो एससी हैं उन्हीं को पावर दे दी है। उन्होंने पंचायतों के लिए स्वीकृत सोलर लाइटों को शीघ्र लगाने के लिए परियोजना अधिकारियों को कहा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आईपीएच, लोक निर्माण तथा ग्रामीण विकास से संबंधित बड़ी बड़ी योजनाओं की डीपीआर विभाग फेस वाइज तैयार कर स्वीकृत करवाए, ताकि कोई भी योजना अधूरी न रहे और पात्र लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, बिलासपुर।